उन सबको ध्यान में रखकर के उनके लिए मंच दिया। उस मंच के आधार पर इससे संबंधित कोई घटना, इससे संबंधित कोई सेवा के कार्य अगर होते हैं, करने हैं, तो विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा मंच है जो समूचे विश्व में काम करेगा। आज विश्व हिंदू परिषद 120 देशों में काम कर रहा है। आज ये व्यापक काम विश्व हिंदू परिषद ने अपने 60 साल के काम के द्वारा किया। तय क्या किया था? तो हम सब हिंदू हैं, तय किया था हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे और हिंदू जीवन मूल्य की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। अब हिंदू जीवन मूल्य यथार्थ, अभी महाराज जी बोलकर गए, हमारे संत हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारी गाय है, यही हमारी जो सनातन परंपरा, उसके जो जीवन मूल्य उन्हीं की बात है, उनकी रक्षा करेंगे। और जिन हिंदू जीवन मूल्यों का क्षरण हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है, किसी भी हमलों के द्वारा हुआ है, उन सबकी पुनर्स्थापना करेंगे। जो कुछ घटा है उसे पुनः जोड़ेंगे। इसलिए हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा और हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना का काम विश्व हिंदू परिषद 1964 में अपने हाथ में लिया। 1984 में हम सबके सामने ध्यान में आ गया कि देश के अंदर इस्लामिक जिहाद प्रारंभ हो गया। यह इस्लामिक जिहाद किनने प्रारंभ किया? जिन्होंने भारत के टुकड़े करा के एक अलग देश मांग लिया था, पाकिस्तान मांग लिया कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हिंदू काफिर, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाक, पाक माने पवित्र, इस्तान माने जगह, पाकिस्तान चाहिए। मजबूरी में, दबाव में, और कह सकते हैं लोभ और लालच सारे मिलाकर के कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया। वो जो विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर, मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और भारत में हिंदू रहेंगे, यह प्रारंभ भी हो गया। लेकिन प्रारंभ होने के साथ साथ में जो कुछ रह गए उन्होंने गुहार लगा दी कि हम वहां कैसे जाएंगे। समय तो बॉर्डर पर जहां जा रहे हैं अदला बदली हो रही है, उधर से कटी हुई हिंदुओं की लाशें आ रही हैं, वो सब बातें आपको मुझसे अधिक जानकारी है। यहां से जाने वालों को भय लगने लगा, हम जाएंगे तो हम भी उनकी चपेट में आ सकते हैं, भयभीत होकर। और उन्होंने यहां रहने के लिए अपने नेताओं से संपर्क कर लिया और नेताओं ने अपना वोट बैंक मांग करके उनको रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। रोकना नहीं चाहिए था क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन था, यही कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। रोका जाने लगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कई लोग केवल दलित नेता के रूप में मानते हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने उस समय सबसे ज्यादा प्रबल विरोध किया कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, एक भी मुसलमान को भारत में नहीं रहने देना चाहिए, चाहे 6 महीने बाद भेजो जब शांति हो जाए, लेकिन सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के ऊपर पूरी दुनिया में जो अध्ययन हुआ है, पढ़ाई हुई है, शोध हुए हैं, उसमें यह पाया गया है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताब अर्थात कुरान हदीस, इसके आधार पर चलता है, वह कभी भी हिंदुओं को अपना स्वजन नहीं मानेगा, था भाई नहीं मानेगा, भाईचारे की बात हो वो नहीं मानेगा, यह उस समय उन्होंने कहा। लेकिन उस समय के कमजोर और कायर नेतृत्व ने यह ध्यान नहीं दिया और नेहरू और लियाकत का समझौते के तहत भारत में जो मुसलमान था वो रह गया, पाकिस्तान में जो हिंदू था वो रह गया, बांग्लादेश जो बाद में बना वहां जो हिंदू था वो रह गया। उन्होंने भारत में 1982 आते आते 80 से लेकर 85 के दशक में जम्मू कश्मीर की घाटी में जहां 95% मुसलमान, 5% हिंदू को भी अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और आतंकवाद प्रारंभ कर दिया, इस्लामिक जिहाद के तहत। और किस प्रकार के नरसंहार हुए ये हम सबसे छुपे नहीं है। 1990 आते आते सभी को पूरी की पूरी धरती कश्मीर घाटी कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा जबरे खाली कराई गई। कई लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित,
क्या 5 लाख कश्मीरी पंडित होते हैं क्या? मैंने जम्मू कश्मीर काम किया, पूरे 5 साल लेके काम किया है वहां। वो नैरेटिव सेट किया गया केवल पंडित, ताकि बाकी अलग अलग हट जाए। 5 लाख से ऊपर हिंदू समाज का पलायन, उन्होंने दद्दर की ठोकर पूरे देश में खाई। यह जो आतंकवाद पनपने लगा उसी समय 1984-85 जो बात मैं कर रहा था, पूज संतों ने, उस समय के संतों ने विश्व हिंदू परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में कहा कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ उठकर खड़ा होना होगा। हम आज की बात नहीं कर रहे, आप त्रिवेदीदास जी आज की बात नहीं कर रहे, महाराज जी आज की बात नहीं कर रहे। उस समय संतों ने कहा और संतों ने आह्वान किया कि जो कुछ हमने खोया वो पुनः प्राप्त करेंगे, तभी हमारा हिंदू चेतना जागृत होगी। और संतों ने कहा इस देश के अंदर 3 हमारे ऐसे स्थान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और श्री राम जन्मभूमि। ये इस्लामिक हमलों में तोड़े गए थे, जबरन तोड़े गए थे। 1528 में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि को तोपों से उठाया। 1.5 लाख लोगों का बलिदान केवल 10 दिन में हुआ। 15 दिन तक युद्ध चला, एक एक अभिलेख है उसके, उसके बाद उठाया जा सका। पीढ़ी दर उसको पुनः प्राप्त करने के लिए 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ, कोई एक दो का नहीं हुआ। 77वीं लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने संतों के नेतृत्व में अपने हाथ में वो भगवा पताका थामी, इसको आगे हम लड़ेंगे। इसके लिए पूरे देश के अंदर हिंदू समाज को संगठित करेंगे और जागृत करेंगे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने 1966 में प्रयागराज में धर्म संसद बुलाई, संतों के साथ चिंतन बैठक किया, तो तय किया कि धर्मांतरण के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद अगली बैठक, उसी की अगली बैठक उड़ुपी में हुई। उड़ुपी में तय किया केवल धर्मांतरण से काम नहीं चलेगा, तो अपने देश में हिंदू समाज के बीच में जो छुआछूत है उस छुआछूत के खिलाफ लड़ेंगे, अर्थात जो छुआछूत का विषय उसे समाप्त करेंगे। इसलिए दिया हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू हम सब एक हैं, हम सब सहोदर भाई हैं, तो कोई अपवित्र नहीं, हम सब भाई हैं। ये भाई के स्वरूप में सब हिंदू भाई हैं। अब ये पढ़ रहा था ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है, गुरु जी ने लिखवाया होगा, उस मंत्र को अपने जीवन का मंत्र बना लेना चाहिए। इसमें लिखा है जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में शुद्धिकरण के संस्कारों का पालन करके कोई भी व्यक्ति ध्वज बन सकता है, विद्वान बन सकता है, पंडित बन सकता है। स्पष्ट लिखा हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं है। इस्लामी दौर में और अंग्रेजों के समय में हिंदू समाज में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सब हमारे लिए हमारे ब्रेन में जहर भरा है, जो अभी तक हमारे दिन में कुछ लोगों के मन में भरा हुआ है। इसे भी सिंधु पर से प्रारंभ किया और घर वापसी का अभियान प्रारंभ किया, आज भी पूरे देश में काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि के लिए तय किया संपूर्ण देश में जागरण करेंगे और हिंदू समाज को संगठित करेंगे। राम मंदिर आंदोलन प्रारंभ करने से पहले हमारे सभी कुछ संतों का प्रमंडल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता, इस्लामिक संस्थाएं जो थी उन संस्थाओं के प्रमुखों के पास गए। मैं आज एक प्रसंग बता रहा हूं, उनके पास गए तो उनसे कहा कि 3 स्थान हमको वापस दे दो, क्योंकि ये स्थान हमारे ईश्वर के प्राकट हुए स्थानों पर, हमारे पूजा के स्थल है। भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत स्वतंत्र हो गया तो हिंदू को क्या मिला? हिंदू कुछ भी नहीं मिला, जब ये स्थान हमारे ईश्वर के हैं। कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तो गुलामी के चिन्हों को तोड़ देता है, उखाड़ के फेंक देता है, ये सरकार भी करती है, समाज भी करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। और हमारे वो 30,000 स्थान हमको नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, यही स्वतंत्रता होती है, नहीं मिले। ये जब उनसे कहा 3 स्थान हम भी दे दो, बाकी क्या पीढ़ी आगे बात करेगी, तो मना कर दिया। यहां तक कहा रामचंद परमहंस जी बड़े संत होते थे, उन्होंने ओजस्वी थे, उन्होंने कहा तुम अगर हमको 3 स्थान नहीं दोगे तो हम लड़के ले लेंगे, आग लगा के ले लेंगे। उन मुस्लिम नेता ने कहा कि तुम लड़कर ले कैसे लोगे, तुम तो जातियों में बटे, तुम होगा सब एक जो लड़के ले लोगे।
ये उनने मुंह पर कहा। वहां से निकलकर संकल्प लिया अपने हिंदू समाज को ही सामूहिक करेंगे और उनकी शक्ति के आधार पर, उनके संगठन के आधार पर और सामूहिक शक्ति के आधार पर हम अपने स्थान को वापस लेंगे। और हम सबको ध्यान में है 1984 से और 6 दिसंबर 1992 इन 8 साल की मेहनत के द्वारा संपूर्ण देश से आह्वान किया गया कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा सामूहिक भुजा की शक्ति से 4.5 घंटे में सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया और रामलला के मंदिर की स्थापना की। दुनिया में किसी की शक्ति नहीं रही वहां कोई द्वारा नमाज पढ़ दे या अजान कर दे, क्योंकि वहां अब रामलला की अखंड आरती प्रारंभ हो गई। करके दिखाया, किसने करके दिखाया? उसी हिंदू ने करके दिखाया, उसी हिंदू के बच्चों ने करके दिखाया जिसको बटा हुआ माना गया था। वो तो समरस ताकत थी, वहां कोई एक वर्ग के लोग नहीं थे, वहां माता बहने भी थी, हिंदू युवा भी थे और हमारे नागरिक सबने मिलकर किया। ये सामूहिक शक्ति जगा कर दिखा दी। जो हिंदू अपने को हिंदू कहने से रुकता था, संकोच करता था, केवल जाति बोलता था, उस हिंदू ने वहां खड़े होकर कहा, कहो गर्व से हम हिंदू, कहो गर्व से हम हिंदू है। हुंकार भरी, संपूर्ण दुनिया को दिखा दिया कि हिंदू क्या है। और हिंदू के अंदर जिन्हें के मन में गुलामी के काल के कारण हीनता का भाव था, उनमें पराक्रम का भाव प्रारंभ हो गया। और आप लोग देख लेना कि 1992 की घटना के बाद में इस्लामिक जिहादियों ने कितनी भी दंगे करने की कोशिश की हो, लेकिन मार पड़ी है ठीक से, इस सामूहिक हिंदू ने ठीक से पीटा है, छोड़ा नहीं है, बक्सा नहीं है। ऐसी अनेकों घटना में यहां बता सकता। हमारा विषय केवल विवाद नहीं, हमारा विषय है हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा और उनके प्राण प्रतिष्ठा। एक उन्होंने लव जिहाद प्रारंभ कर दिया केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। जो आसिफ के रूप में थे वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने लव जिहाद प्रारंभ कर दिया। अब लव जिहाद के द्वारा वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं वोटिंग पावर के लिए, केवल वोट के द्वारा आने वाले समय भारत को इस्लामिक स्टेट बना सकना, एक तरफ आतंकवाद दूसरी तरफ इस तरह से। लेकिन इस देश के अंदर बजरंग दल के 1 करोड़ हिंदू नौजवान काम कर रहे हैं, उन्होंने भी संकल्प ले लिया एक भी हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार होगी तो जैसे ही शिकार होगी उससे पहले मालूम पड़ता तो होने नहीं देंगे, और किसी तरह चली भी गई तो 1 सप्ताह के अंदर उसको वापस लेकर के आएंगे और 1964 के बयान करके उसको घर भेजने का काम आज बजरंग दल के नौजवान कर रहे हैं। अगर 100 लड़की जाती है तो 90 को गारंटी के साथ बजरंग दल वापस लेकर भी आ रहा। बजेंद्र ने संकल्प लिया, विशुद्ध फसल का आह्वान किया कि गाय कितने बड़े पैमाने पर गौहत्या हो रही है, कुछ करना चाहिए। 1996 में प्रयागराज में संगम के तट पर खड़े होकर 20 जनवरी को 20,000 नौजवानों ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, सूर्य को साक्षी मानकर, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाम। हम लोग जब सो रहे होते हैं ना रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे होते, गहरी नींद अच्छी नींद आती है, उस समय बजरंग दल के नौजवान गौर अच्छा कर रहे होते, सड़क पर संघर्ष कर रहे होते हैं, इस्लामिक जिहादियों की गोलियों का सामना कर रहे होते हैं, उनके ट्रकों से गाय माता की रक्षा करते हैं, उनको उतारते हैं, ट्रक का जो कन्या से वो करते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। इसमें अगर उनकी जान भी जाती है तो गाय माता के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। आज उसका परिणाम है 1996 से लेकर अभी तक 88 लाख गायों को कटने से बजरंग दल के नौजवान बचा चुके हैं। 6 महीने का डाटा हमारे पास आ। आज बात हो रही थी महाराज जी वहां कह रहे थे कि महाराज जी ने आज कहा था कि गौर अच्छा में कार्तिक आदित्य हमारे घायल हो रहे हैं, जेल में जाना पड़ता है, कुछ करना चाहिए। कितना भी दबाव हो कितना भी सामने शक्तिशाली लोग खड़े हो, लेकिन ये बजरंगी झुकने वाले नहीं और अपने लिए कुछ मांगने वाले नहीं, क्योंकि संकल्प हमने लिया है भारत माता की रक्षा।
हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा का हमने संकल्प किया, हम उनकी करेंगे, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमको न नाम चाहिए, न यश चाहिए, न हमारे मरने के बाद हमको कोई बाधा मरने का पुरस्कार चाहिए। आजकल तक बजेंद्र के नौजवानों ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, ना मांगे, लेकिन हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे, संकल्प लेकर चल जाए। अब जो लड़के जेल गए हैं उनके पीछे संगठन खड़ा है, उनके केसों को लड़ रहा है, हर केस के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया नहीं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता हताहत नहीं हो सकता, उसके पीछे लोग खड़े हैं, काम कर रहे हैं, अभियान नहीं रोके, क्योंकि गाय को हमने मां कहा, हमने मां कहा है तो मां है, मां की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य है और रहेगा और करेंगे। आज देश के अंदर केवल धर्मांतरण के विषय में, लतिहाद के विषय से अकेले समाधान नहीं होते, समाधान के लिए घर वापसी का विषय आवश्यक है। संकल्प हम सब प्रकार के लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम सबने 30 साल पहले संकल्प लिया था, वो 30 साल पहले जो संकल्प लिया था सबने मिल